हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो बेसिकली जो है प्लांटेशन के ऊपर है। जैसा कि हम सभी ने देखा है कि कोरोना टाइम में सबको ऑक्सीजन की वैल्यू और खाने की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से पता लग गई है। हम चाहे कितने भी डेवलप्ड कंट्री या इंसान क्यों नहीं हो जाए, लेकिन जब तक हम लोग इस धरती पर हैं हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ऑक्सीजन हम कितनी भी मशीनरी डेवलप कर लें, लेकिन विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट गेट दिस ऑक्सीजन। तो मेरा आज सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप जो है रेनी सीजन है, ज़्यादा नहीं तो 2-3 पेड़ जरूर लगाएं। जिनके पास जगह नहीं है वो रोड साइड में लगाएं, बट कहीं ना कहीं अपना योगदान इस धरती को बचाने में ज़रूर दें। तो आज हम जो है अपने फार्म पर कुछ प्लांट्स लेके आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जितनी भी जगह थी मैंने इसे खाली छोड़वा रखा था। तो यहाँ पर हम जो है डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स लगाने वाले हैं, जिसमें कि मोस्टली 90% जो है फ्रूट गिविंग प्लांट्स होंगे। ताकि हम देख सकते हैं कि बहुत सी वैरायटी के पक्षी जो है गायब हो चुके हैं। ठीक है, वो यही कारण है कि लोगों ने पेड़ काट दिए, जंगल में फल ऐसी चीज़ें सब गायब होंगी। तो हमारे एरिया से जो है बर्ड्स जो है सब जा चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुछ प्लांट्स हैं। जैसे कि देखने में थोड़े बहुत लग रहे होंगे, बट ये कम से कम 250-300 हैं। ठीक है, क्योंकि चिपका के रखे हुए हैं। तो जिसमें कि आप देख सकते हैं, ये जो है हमारे कटहल के हैं, इस तरीके के कटहल हैं। कटहल, ये सब कटहल है। जामुन के हैं, कम से कम 30-40 पेड़ जामुन है। सहजन है, ये जो है अपना मेडिसिनल पर्पस के लिए है। और अंदर नींबू के हैं बहुत सारे। ठीक है, अशोका के पेड़ हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं, ये कुछ हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनली अपने फार्म के लिए काम कर रहा हूँ। ये फार्म के साथ साथ जो है मैं जितने भी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लांट्स और लेके आया हूँ, ताकि वो जो है अपने एरिया के आसपास के जो भी जिस रोड से मैं गुजरता हूँ, मेरा निकलना है उस रोड पे, ज़्यादा नहीं तो 20-25 प्लांट अपनी तरफ से लगा सकूँ। क्योंकि यही रेनी सीजन है, एक बार पेड़ लग गए तो इनमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि जगह को हरा भरा बनाएं और हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए इस धरती को बचा के रखें। आप देख सकते हैं, ये मेरा फार्म है। अब बहुत से लोग बोलेंगे, अरे क्या बेकार जगह है, ये है वो है। किसी भी चीज़ को तैयार करने में बहुत समय लगता है। आप बिल्डिंग जो है कुछ महीनों में इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, गाड़ी एक दिन में ला सकते हैं, बहुत सी चीज़ें। बट एक प्लांट ही एक ऐसी चीज़ है जिसे, जैसे इंसान के बच्चों को पालना पड़ता है, उसी तरीके से इसको पाल के जो है बड़ा करना पड़ता है। इसलिए इसे नष्ट करने में तो हम इंसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस धरती को। तो अब समय है, कृपया करके आप लोग मदद करें और इस अर्थ को बचाने में हेल्प करें। हमारे भारत में अगर देखा जाए तो 135 करोड़ लोगों की संख्या है, और प्लांट की कोई कीमत बहुत बड़ी नहीं है। 10 रुपये 15 रुपये जो भी नॉर्मली अपना प्लांट होता है, इतना हर कोई कमाता है, भीख मांगने वाले से लेकर हर कोई। अगर एक प्लांट का भी योगदान दे अगर हर इंसान, तो कॉमन सेंस की बात है 135 करोड़ प्लांट जो है इंसान लगा सकते हैं अपने इंडिया के अंदर ही। बट ऐसा कोई करना नहीं चाहता, सोचता है कि कौन करेगा। आप लोग अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें। क्योंकि ये कोई मेरे लिए पर्सनली नहीं है, ये एक अवेयरनेस का मैसेज है। ठीक है, कोरोना टाइम में सब ने देखा है कि ऑक्सीजन की कितनी डेफिशिएंसी रही है। तो आप कृपया करके इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।